नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 8 वर्सेस Vivo Y30 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 8 में 6.32 इंच जबकि Vivo Y30 में 6.38 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 8 में 2.91 इंच जबकि Vivo Y30 में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 8 में 0.31 इंच जबकि Vivo Y30 में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 8 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 8 में 177 ग्राम्स जबकि Vivo Y30 में 197 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 8 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 8 में सुपर AMOLED जबकि Vivo Y30 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Realme 8 में 20:9 जबकि Vivo Y30 में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 8 में 6.4 इंचेस जबकि Vivo Y30 में 6.47 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 8 में 1080x2400 और Vivo Y30 में 720x1560 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 8 में 83.32% जबकि Vivo Y30 में 85.07% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 8 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo Y30 में 266 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 8 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Vivo Y30 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 8 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo Y30 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 8 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 9 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo Y30 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 8 में Mali G76 MC4 जबकि Vivo Y30 में Powerwatt GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 8 में MediaTek Helio G95 और Vivo Y30 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 8 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Vivo Y30 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 8 में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Vivo Y30 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 8 में Android V11 जबकि Vivo Y30 में Android V10 की देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme 8 में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Vivo Y30 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme 8 में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y30 की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 8 आगे है, मेन कैमरा में Realme 8 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 8 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro है जो कि 17,857 रुपए में मिलता है, दूसरा Xiaomi Redmi Note 10 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है, तीसरा Realme 7 है जो कि 14,999 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 30 Pro है जो कि 14,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।